हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें से इस करंट वीडियो सेशन का आज का टॉपिक है इन ऑर्डर बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल और उसका इंट्रोडक्शन कि हम बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग कैसे कर सकते हैं। बिफोर मूविंग टू द कंटेंट, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। सबसे पहले आप सभी को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल और ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल क्या क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले सारे वीडियो में एक्सप्लेन की है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अगले स्लाइड पर जाती हूँ। पर अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है तो मैं राइट अप कॉर्नर में आपके लिए शॉर्टकट लिंक फ्लैश कर रही हूँ, तो उसमें से आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इसमें से हम इस वीडियो सेशन में बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल्स जो कि इन ऑर्डर इसमें कवर करने वाले हैं। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जिसका सिक्वेंस मैंने यहाँ पर दिया है, ऑर्डरिंग यहाँ पर दिया है, लेफ्ट रूट, रूट नोड, देन राइट, लेफ्ट, देन रूट नोड एंड देन राइट, ये सीक्वेंस हमें यहाँ पे फॉलो करना है। उसके लिए मैं इस स्लाइड में आपको इन डिटेल इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले हमें लेफ्ट सब ट्री को जाना है, उसके बाद उसको रूट कंसिडर करके उसको फिर से चेक करना है कि उसको लेफ्ट सब ट्री है या नहीं। अगर है तो फिर से स्टेप डाउन होना है लेफ्ट सब ट्री को, उसको रूट बना के फिर से उसको चेक करना है उसको लेफ्ट सबट्री है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें चेक करना है कि उसको राइट सबट्री है या नहीं। अगर राइट सबट्री है तो उसको स्टेप डाउन करके उसको रूट बना के फिर से उसको चेक करना है कि उसको लेफ्ट सबट्री है या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको इन सीक्वेंस करते जानी है, क्योंकि इन ऑर्डर का सीक्वेंस होता है लेफ्ट, देन रूट नोड एंड देन राइट। यही सारी चीज़ें मैं इन डिटेल यहाँ पे आपको बोल रही हूँ। लेफ्ट, अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो हमें स्टेप डाउन होना है और उसको रूट बना के फिर से चेक करना है कि लेफ्ट चाइल्ड अगर प्रेजेंट है तो फिर से स्टेप डाउन होना है टू लेफ्ट चाइल्ड। ये चीज़ें हमें कंटिन्यू करती रहनी है जब तक रूट को, करंट रूट को लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल है। मान लो कि लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें रूट को, यही चीज़ें मैंने जो आपको अभी बताई थी वही मैं यहाँ पर फ्लैश कर रही हूँ। तो अगर मान लो कि लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो हमें रूट को, सॉरी करंट रूट को प्रोसेस कर लेना है, जो कि आपका सीक्वेंस है। लेफ्ट हमारा हो चुका है, अभी अभी हम रूट नोड को प्रोसेस कर रहे हैं। तो उसके प्रोसेसिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है राइट चाइल्ड, अगर प्रेजेंट है तो हमें राइट चाइल्ड को स्टेप डाउन होना है। तो यहाँ पर मैं स्टेप डाउन हो रही हूँ राइट चाइल्ड को। अभी राइट चाइल्ड को हमें फिर से रूट बनाना है, और रूट बनाने के बाद हमें उसका, अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो फिर से लेफ्ट चाइल्ड को स्टेप डाउन होना है। तो अगर लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल है तो फिर से उसको रूट बना के फिर से उसको लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है वो डिसाइड करके अकॉर्डिंगली हमें परफॉर्म करते जाना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये वाला सिंपल एग्जांपल है। अगले स्लाइड में एक थोड़ा बड़ा वाला एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेफ्ट को प्रोसेस करना है, उसके बाद हमें रूट को प्रोसेस करना है, और एट द एंड हमें राइट को प्रोसेस करना है। ये करते टाइम हमें सिक्वेंस हमेशा याद रखना है लेफ्ट, रूट नोड एंड राइट। तो चलो इस एग्जांपल के साथ मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करती हूँ कि इन ऑर्डर हमें कैसे ट्रैवर्स करना है। तो सबसे पहले हमें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का जो रिजल्ट होगा वो मैं यहाँ पे बॉटम में डिस्प्ले कर रही हूँ। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें ऑलवेज रूट से स्टार्ट करना है, रूट नोड से। तो ये हो गया आपका रूट नोड। अभी आपका फर्स्ट स्टेप क्या है कि उसका लेफ्ट चाइल्ड हमें चेक करना है। अभी ये हो गया मेरा रूट नोड, रूट नोड और उसका फॉर डिसेंडेंट ट्री, सारे नोड्स मैं इस ट्रायंगल के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 10 को लेफ्ट चाइल्ड है। आप इस डायग्राम में, इस ट्री के डायग्राम में देख सकते हो कि 10 को लेफ्ट चाइल्ड है। तो हमें क्या करना है, अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो हमें स्टेप डाउन होना है और
यहाँ पे मैं स्टेप डाउन होके अभी मैं 20 को रूट नोड बनाने वाली हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस ट्रायंगल का मतलब है ये मेरा हो गया अभी रूट नोड। अभी उसके बाद मेरा फर्स्ट स्टेप फिर से क्या होगा, फिर से 20 को लेफ्ट साइड है या नहीं मुझे वो चेक करना है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो 20 को लेफ्ट साइड नहीं है तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप को जाना है। नेक्स्ट स्टेप आपका है हमें रूट नोड को प्रोसेस करना है। तो रूट नोड हमारा 20 है तो उसको प्रोसेस करने के लिए मैं उसका कलर चेंज कर रही हूँ। और नीचे जैसे कि मैंने बोला था कि बॉटम में मैं इन ऑर्डर डिस्प्ले करने वाली हूँ, तो यहाँ पे हर एक नोड जो जो मैं प्रोसेस कर रही हूँ उसके प्रोसेसिंग के बाद और प्रोसेसिंग के साथ मैं यहाँ पे उसको डिस्प्ले भी कर रही हूँ, क्योंकि प्रोसेसिंग का ही मतलब है हमें वो डिस्प्ले करना है, प्रिंट करना है। तो ये हो गया आपका 20। तो ये हो गया 20 के लेफ्ट सब ट्री हमने कवर कर लिया जो कि अब्सेंट था, जो था ही नहीं। तो फिर हमने रूट नोड को प्रोसेस कर लिया। अभी हमें कहाँ पे जाना है, हमें राइट पे जाना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है टू चेक अ राइट चाइल्ड। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 20 को राइट चाइल्ड प्रेजेंट है। तो अगर राइट चाइल्ड है तो हमें स्टेप डाउन होना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्टेप डाउन कर लिया है और मैंने अभी 30 को रूट नोड बना लिया है। करंट रूट नोड हमारा 30 है। अभी 30 रूट नोड होने के बाद यही सीक्वेंस हमें फिर से दोहराना है, जिसमें मैं सबसे पहले लेफ्ट चेक करूंगी। तो चेक करते हैं 30 को लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो 30 को लेफ्ट चाइल्ड है। तो हमें फिर से स्टेप डाउन होके 50 को रूट नोड बनाना है, जो कि मैंने यहाँ पे बना लिया है। अभी 50 रूट नोड बन गया, तो इसका मतलब है हमें फिर से ये सीक्वेंस दोहराना है। तो सबसे पहले फिर से चेक करते हैं कि 50 को लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं। आप देख सकते हो 50 जो है वो लीफ नोड है, तो 50 को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैंने चेक कर लिया 50 को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रोसेसिंग ऑफ रूट नोड। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस कर लिया, कलर चेंज कर लिया और नीचे जाके डिस्प्ले कर लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रोसेसिंग के बाद राइट चाइल्ड। तो राइट चाइल्ड भी हमारा प्रेजेंट नहीं है 50 को, क्योंकि ये लीफ नोड है। तो हमें फिर से क्या करना है, अभी आप सोच सकते हो कि 50 का तो पूरा प्रोसेसिंग हो गया जिसमें हमने फॉलो कर लिया उसका लेफ्ट रूट नोड और उसका राइट। अभी हमें क्या करना है, हमें स्टेप अप होना है, हमें फिर से 30 को रूट नोड बनाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 30 को रूट नोड बना लिया है। 30 को रूट नोड बनाने के बाद आप फिर से यहाँ पे देख सकते हो कि 30 जो सबसे पहले हमने देखा था उसके लेफ्ट चाइल्ड को मैं मूव हो गई थी, क्योंकि अगर लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है तो हमें स्टेप डाउन होना है। तो अगर 30 की बात है तो आप इस सीक्वेंस के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो उसमें उसका लेफ्ट तो कवर हो चुका है, अभी उसका रूट नोड प्रोसेसिंग बाकी है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें रूट नोड को प्रोसेस करना है। रूट नोड को प्रोसेस करते टाइम मैं आने आपको जैसे बोला था कि मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रही हूँ और नीचे बॉटम में उसको डिस्प्ले कर रही हूँ, तो वो सब सारी चीज़ें होगी। अभी रूट नोड को प्रोसेस करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो उसके राइट सब ट्री को जाना। तो सबसे पहले हमें चेक करना है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, चेक करना है कि राइट चाइल्ड है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 को राइट चाइल्ड है, तो हमें 30 के राइट चाइल्ड को स्टेप डाउन होना है। तो मैं यहाँ पे 60 को अभी रूट नोड बनाने वाली हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं ये सब ट्री कंसिडर कर रही हूँ, जिसमें से फिर से हमें रूट नोड बनाने के बाद फिर से ये सारा सीक्वेंस हमें फॉलो करना है, जिसमें मुझे सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड को चेक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टू चेक फॉर अ लाइट लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो हम अगले वाले स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे हम रूट नोड प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये हो गया प्रोसेसिंग ऑफ द रूट नोड। नेक्स्ट स्टेप है फिर से चेक फॉर अ राइट चाइल्ड, चेक करते हैं राइट चाइल्ड है या नहीं। राइट चाइल्ड नहीं है तो हमें क्या करना है, अभी आप देख सकते हो कि मेरा जो 30 अभी रूट नोड था उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करने के बाद हम उसके राइट चाइल्ड को चले गए थे। तो आप अगर इस सब ट्री को देख रहे हो तो ये सब ट्री आपका कंप्लीट हो गया है, जिसका रूट नोड था 30, उसका लेफ्ट भी हो गया, प्रोसेसिंग भी हो गया रूट नोड का और राइट भी हो गया। अभी फिर से स्टेप अप जाके 30 का अगर पैरेंट नोड आप देख रहे हो तो 20 का भी लेफ्ट हो गया है, जो कि प्रेजेंट था ही नहीं, उसका रूट नोड प्रोसेसिंग भी हो गया, उसका राइट चाइल्ड भी हो गया, राइट सब ट्री भी हो गया। तो आप सोच सकते हो कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा, जहाँ तक कि
हमारा अगला स्टेप का सवाल है, हम अभी 10 को रूट नोड बनाने वाले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हो गया आपका 10 जो है वो आपका रूट नोड हो गया है। अभी आप देख सकते हो ये पूरा ट्री जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप वो पूरा देख सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो कि हमारा लेफ्ट पार्ट हो चुका है। अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोसेसिंग ऑफ अ रूट नोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये हो गया आपका प्रोसेसिंग ऑफ द रूट नोड वाला स्टेप, यहाँ पे मैं इसको रूट नोड को प्रोसेस कर रही हूँ और नीचे बॉटम में उसको डिस्प्ले कर रही हूँ। तो ये हो गया आपका लेफ्ट, हो गया आपका रूट नोड प्रोसेसिंग, और अभी किसकी बारी है, राइट सब ट्री की। तो हमें चेक करना है कि राइट सब ट्री है या नहीं फॉर करंट रूट नोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 को राइट सब ट्री है, तो 10 को राइट सब ट्री है। तो हमें क्या करना है, हमें स्टेप डाउन होना है और उसके राइट सब ट्री को उसका रूट बना देना है। तो मैंने इसको रूट बना लिया। अभी 40 हमारा रूट नोड हो गया है, फिर से रूट नोड हमारा चेंज हो गया है, इसलिए हमें पूरी सारी स्टेप फिर से परफॉर्म करनी है, जिसमें से हमें लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो 40 को लेफ्ट चाइल्ड है, 40 को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो हम अगले वाले स्टेप पे जाएंगे। 40 रूट नोड खुद है तो उसको प्रोसेस कर लेंगे, तो उसको प्रोसेस भी कर लिया। अभी 40 को राइट चाइल्ड हमें चेक करना है, 40 को राइट चाइल्ड भी नहीं है क्योंकि 40 हमारा है लीफ नोड। तो ये सारा हो गया हमारा प्रोसेसिंग और उसका राइट चाइल्ड। तो 40 जब तक रूट नोड है तब तक ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मेरा पूरा ट्री, पूरे नोड, सारे के सारे नोड्स, उसके कलर चेंज है, इसका मतलब मैंने पूरा ट्री ट्रैवर्स कर लिया है। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो ट्री दिया था उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या आने वाला है, 20, 50, 30, 60, 10, 40। इस करंट वीडियो सेशन का मेरा आज का टॉपिक है इन ऑर्डर बाइनरी ट्रैवर्सल के, ट्री ट्रैवर्सल के सॉल्व्ड एग्जांपल्स। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, सॉल्व्ड एग्जांपल्स कवर कर रही हूँ, जिससे आपको हेल्प होगी इन ऑर्डर बाइनरी ट्री ट्रैवर्स करने के लिए। तो चलो सबसे पहला वाला एग्जांपल देखते हैं, विद द रिमाइंडिंग स्टेप्स लेफ्ट रूट एंड राइट। तो ये हो गया आपका सिंपल वाला ट्री, जिसका मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बॉटम पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमेशा हम रूट नोड से स्टार्ट होते हैं, रूट नोड से स्टार्ट करने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि उसको रूट नोड को लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं, क्योंकि हमें सबसे पहले लेफ्ट वाला पोर्शन कवर करना है। तो मैं हर एक बार जब आपको ये क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको ये डायग्राम जो मैं लेफ्ट साइड में हर एक एग्जांपल के लिए लेफ्ट साइड में प्रोवाइड कर रही हूँ, वहाँ पे देख के आपको खुद को डिसाइड करना है, आपको खुद को आंसर देना है और आपको थिंक करना है कि अगली वाली स्टेप क्या हो सकती है। मैं तो एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, पर मेरे साथ साथ अगर आप लोग भी थिंक करेंगे, सोचेंगे, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन है, ए को लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं, क्योंकि हमारी स्टेप वन है टू मूव टू लेफ्ट चाइल्ड इफ इट इज प्रेजेंट। तो ए को लेफ्ट चाइल्ड है तो हमें स्टेप डाउन होना है लेफ्ट चाइल्ड को, और अभी बी को हमें रूट बना देना है। बी को रूट बनाने के बाद हमें बी से लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं वो हमें चेक करना है, और उस चेकिंग के बाद अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो हमें स्टेप डाउन हो जाना है। पर आप यहाँ पे देख सकते हो गिवन डायग्राम में बी को कोई लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए हमें बी को प्रोसेस कर लेना है। प्रोसेसिंग इसका मतलब हमें उसको डिस्प्ले कर लेना है। उसके बाद ये हो गया आपका लेफ्ट वाला ट्रैवर्स करके हो गया, और उसके बाद आपका हो गया रूट नोड। अभी कौन सा बाकी है, तो अभी राइट। तो बी को राइट चाइल्ड है या नहीं ये आपको इस डायग्राम से पता चल जाएगा। आप देख सकते हो बी को कोई राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें स्टेप अप होना है। फिर से ए को हमें रूट नोड बना देना है, और उसको रूट नोड बनाने के बाद उसको प्रोसेस कर लेना है, क्योंकि ए अगर रूट नोड है मेरा, तो रूट नोड अगर मेरा ए है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड जो है उसका प्रोसेसिंग हो चुका है, और उसके प्रोसेसिंग के बाद मुझे रूट को प्रोसेस करना है। इसलिए मैंने रूट को प्रोसेस कर लिया, डिस्प्ले कर लिया, और अभी ए को प्रोसेस करने के बाद हमें कहाँ पे जाना है, ए के राइट चाइल्ड को।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए का राइट चाइल्ड है या नहीं, ए का राइट चाइल्ड है तो हमें राइट चाइल्ड को स्टेप डाउन हो के फिर से सी को रूट बना लेना है। सी को रूट बनाने के बाद फिर से हमें यही सारी स्टेप्स फॉलो करनी है जो कि हमारी स्टेप्स है लेफ्ट रूट नोड एंड राइट। तो सी को लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं वो हमें चेक करना है। सी को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो इसलिए हमें रूट को प्रोसेस कर लेना है, या ये मैंने रूट को प्रोसेस कर लिया और उसके बाद मुझे राइट चाइल्ड को चेक करना है। राइट चाइल्ड भी वहाँ पे नहीं है इसलिए ये आप देख सकते हो कि मेरा ट्री ट्रैवर्स करके हो चुका है। रिकर्सिव इन ऑर्डर बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल, और वो रिकर्सिवली कैसे वर्क होता है इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेने वाली। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्गोरिदम क्या है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का रिकर्सिव अल्गोरिदम क्या होता है। तो ये हो गया आपका अल्गोरिदम, जहाँ पे मैंने यहाँ पे इन ऑर्डर फंक्शन को डिक्लेयर किया है और यहाँ पे मैं उसका डेफिनेशन बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करनी है कि अगर हमारा रूट नोड नल नहीं है तो ही हमें ये आगे की स्टेप्स परफॉर्म करनी है, अदरवाइज अगर रूट नोड नल है तो हमें एग्जिट हो जाना है फंक्शन से। पर अगर हमारा रूट नोड नल नहीं है तो हमें इन ऑर्डर फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करना है, और उसके लिए हमें पैरामीटर पास करना है लेफ्ट चाइल्ड, क्योंकि हमें सबसे पहले हमें लेफ्ट सब ट्री को कंप्लीट करके लेना है। तो हमें लेफ्ट चाइल्ड को पास कर लेना है तो हमारा लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा रूट। फिर से हमें कंडीशन चेक करनी होगी, रूट इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर वो ट्रू है तो फिर से उसको, अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो उसको पास कर देंगे, अगर उसको लेफ्ट चाइल्ड नहीं है इसका मतलब हम नल पास कर रहे हैं, तो ये कंडीशन आपका हो गया फॉल्स। वो रिटर्न आके करंट जो रूट नोड है आपका उसको प्रोसेस कर लेगा, और उसका अगर राइट चाइल्ड है तो उसको वो पास कर लेगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखते समय अगर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है तो मैं यही सारी चीज़ें आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं कि ये वाला जो एग्जांपल है, सबसे पहले हम ये इस एग्जांपल को मैं रिकर्सिवली कैसे हम ट्रेस करते हैं फंक्शन वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे नीचे बॉटम पे मैं आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल डिस्प्ले कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें इस फंक्शन, इस ट्री को इन ऑर्डर हमारा जो ट्रैवर्सल है वो क्या आता है वो आपको अगर पता है तो आप एक साइड पे लिख के लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है अगर आपको थियोरेटिकली पता है। अगर आपको वो पता नहीं है तो मैं यहाँ पे राइट अप कॉर्नर पे आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ जिस पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं कि हमें अगर कौन सा भी ट्री हमारे पास है तो हमें उसको इन ऑर्डर में कैसे ट्रैवर्स करना है। तो आप उसे भी आप देख सकते हो और फिर से ये वाला वीडियो आप रिज्यूम कर सकते हो। इस वीडियो में मैं खासतर आपको अल्गोरिदम एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अल्गोरिदम कैसे होता है और वो कैसे वर्क करता है। तो रिकर्सिव अल्गोरिदम अगर आपको पता है रिकर्शन क्या होता है, तो रिकर्शन ऐसे होता है कि वो खुद को ही हम कॉल करता रहता है कंटिन्यूसली, और हर एक टाइम हर एक वेरिएबल की अलग से वो कॉपी बनाता है। तो मैं वही चीज़ें सभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल कर लिया एवरी टाइम, जो कि आपका वेरिएबल है। मैं हर एक टाइम वहाँ यहाँ पे आपको हर एक बॉक्स में करंटली कौन सा रूट नोड है वो आपको बताने वाली हूँ। तो हमें रूट नोड 10 से स्टार्ट करना है, तो ये हो गया हमारा 10, और उसके बाद हमें फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है कि अगर हमारा रूट नोड नल नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें फिर से इन ऑर्डर फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करके उसको लेफ्ट चाइल्ड पास करना है 10 का लेफ्ट चाइल्ड। तो 10 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है आप देख सकते हो यहाँ पे, 10 का लेफ्ट चाइल्ड है 20। तो ये अभी पूरा एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, फिर भी इस ब्लॉक से हमें जंप करना है अनदर ब्लॉक पे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने वही चीज़ें आपको एनिमेशन के द्वारा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये हो गया, नया एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया आपके फंक्शन का जिस पे मैंने फिर से फंक्शन कॉल किया है, और उसका रूट नोड अभी है 20। ये जो विंडो है इसमें सिर्फ रूट नोड 10 के लिए काम होगा, अभी इस विंडो में आपको जो रूट नोड है वो 20 है और उसके हिसाब से सारी चीज़ें होगी, 20 का लेफ्ट चाइल्ड, 20 एज अ रूट नोड एंड 20 का राइट चाइल्ड एंड सो ऑन। आप देख सकते हो मैंने यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। पहले सबसे पहले हमें चेक करना है रूट अगर नल नहीं है तो हमें रिकर्सिवली फंक्शन कॉल करना है और उसको लेफ्ट चाइल्ड पास कर देना है।
उसको लेफ्ट चाइल्ड पास करने के बाद अभी आप देख सकते हो 20 को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब अल्टीमेटली 20 का लेफ्ट चाइल्ड जो है वो नल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है, वो फिर से उस फंक्शन से, उस विंडो से बाहर आके नल जो आपका रूट नोड है, अभी फिर से वो फंक्शन कॉल होगा और रूट नोड आपका नल हो जाएगा। अभी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसका मतलब है वो फंक्शन से, इस फंक्शन से बाहर होके वो फिर से रिटर्न आ जाएगा जहाँ से आपने फंक्शन कॉल किया था। तो ये देखो आप रिटर्न आ गए हो फिर से, जिसमें आपका फिर से रूट नोड जो है 20, अभी फिलहाल आपका रूट नोड था नल, पर अगर नल है तो हमें फिर से रिटर्न आके जाना है जहाँ से आपने फंक्शन कॉल किया था। तो आपका रूट नोड अभी हो गया है 20। तो आपका रूट नोड अगर 20 हो गया है तो आप यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है और नेक्स्ट स्टेप जो है वो प्रोसेसिंग ऑफ अ रूट नोड है। तो आप यहाँ पे रूट नोड को प्रोसेस करना है, प्रोसेस मतलब आपको डिस्प्ले करना है। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि ये स्टेप जब एग्जीक्यूट होगा तो आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का जो करंट रूट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। इसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप को जाएगा, स्टेप नंबर 3, और यहाँ पे हमें राइट चाइल्ड को पास करना है इन ऑर्डर फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करने के लिए। तो अभी 20 का राइट चाइल्ड क्या है, 30। तो आप देख सकते हो फिर से हमें ये विंडो छोड़ के नेक्स्ट विंडो में शिफ्ट होना है जहाँ पे आपका रूट नोड होगा 30। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये हो गया आपका नया एनवायरमेंट जिसमें आपका रूट नोड है 30। अभी फिर से हमें फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, रूट इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर रूट नल नहीं है तो हमें इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करना है जिसका लेफ्ट चाइल्ड हमें रिकर्सिवली पास करना है इन ऑर्डर फंक्शन को। तो 30 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 50। इसका मतलब है फिर से हमें इस एनवायरमेंट से कुछ अलग एनवायरमेंट में जाना है जहाँ पे आपका रूट नोड होगा 50। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये फिर से नया एनवायरमेंट क्रिएट हो गया जिसमें रूट नोड है आपका 50। अभी फिर से चेक करना है रूट नोड, अगर आपका नल है, नल नहीं है इसका मतलब है कि आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, फिर से हमें लेफ्ट चाइल्ड को पास करना है रिकर्सिवली इन ऑर्डर फंक्शन कॉल करके, हमें लेफ्ट चाइल्ड को पास करना है। अभी आप देख सकते हो 50 को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब कि आपका लेफ्ट चाइल्ड जो है 50 का वो नल है। तो आप देख सकते हो ये हो गया नल, फिर से ये रिटर्न आ गया और वही नेक्स्ट स्टेप पे जाके वो करंट रूट अभी क्या है, करंटली ये एक्टिव है, ये एनवायरमेंट एक्टिव है जिसका रूट नोड है 50। तो ये 50 आप यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हो। तो ये हो गया आपका 50 डिस्प्ले। नेक्स्ट स्टेप पे जाके 50 का राइट चाइल्ड आपको चेक करना है। अभी आप यहाँ पे फिर से देख सकते हो 50 का राइट चाइल्ड जो है वो नल है। तो यहाँ पे नल आया, इसके लिए वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका फंक्शन कंप्लीट हो रहा है, इफ कंडीशन पहले कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद फंक्शन कंप्लीट हो रहा है। अभी आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी अगर आप पहले फंक्शन जो हम एक एक करके यहाँ से यहाँ पे आ गए, तो आप अगर देख सकते हो तो नोटिस कर सकते हो कि ये फंक्शन अभी पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये भी पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये भी पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, पर ये अभी पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। जब ये फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है तो जो कुछ मेमोरी यहाँ पे अलॉट हुई है वो पूरी रिलीज होके पूरा ये जो फंक्शन है वो रिटर्न करता है उसका कर्सर जहाँ से हमने उसको इसी फंक्शन को कॉल किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला ब्लॉक कहाँ से इनिशिएट हुआ है, ये वाले ब्लॉक से जहाँ पे हमारा रूट नोड था 30। तो ये पूरा खत्म होने के बाद ये इसी ब्लॉक पे रिटर्न आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये यहाँ से रिटर्न आ गया। ये यहाँ से रिटर्न आने के बाद नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट स्टेप जो है जो प्रोसेसिंग है रूट नोड का। अभी कौन सा रूट नोड प्रोसेस होगा, अभी ये हमारा ब्लॉक एक्टिव है, ये विंडो एक्टिव है, तो इस विंडो में जो आपका रूट नोड है वही प्रोसेस हो जाएगा। तो वो कौन सा है रूट नोड, अभी 30। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे मैंने 30 डिस्प्ले कर लिया। अभी इसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फिर से इन ऑर्डर हमें रिकर्सिवली कॉल करना है, पर हमें अभी क्या करना है, हमें राइट चाइल्ड को पास करना है क्योंकि हम इन ऑर्डर ट्रैवर्स कर रहे हैं जिसमें हमारा सिक्वेंस होता है लेफ्ट तो हो गया, रूट नोड भी हो गया और अभी राइट की बारी है। तो अभी आप देख सकते हो 30 का राइट चाइल्ड क्या है, हमारा नोड 60 है। तो आप नोटिस करो कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो ये हम यहाँ पे अभी यहाँ से हमें कहाँ मूव होना है, नेक्स्ट और नए
विंडो में ब्लॉक में जहाँ तक कि रूट नोड का सवाल है, तो इस ब्लॉक के लिए हमारा रूट नोड जो है वो है 60, क्योंकि हमने यहाँ से राइट चाइल्ड को पास किया है, तो 30 का राइट चाइल्ड जो है 60 और वो अभी हमारा रूट नोड बन गया है। रूट नोड बनने के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हमें चेक करना है कि रूट नोड हमारा नल है या नहीं। तो रूट नोड नल नहीं है तो हमें फिर से उसके लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करना है। अभी उसके लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करने के बाद हमारा 60 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 60 का लेफ्ट चाइल्ड है नल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नल है, इसके लिए वो रिटर्न आ जाएगा और रिटर्न आने के बाद वो प्रोसेस हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो मैंने यहाँ पे प्रोसेस भी कर लिया है। प्रोसेस करने के बाद हमें आगे जाना है और आगे जाके हमें उसके राइट चाइल्ड को पास करना है। अभी 60 का राइट चाइल्ड भी नल है इसलिए वो फिर से रिटर्न आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है फंक्शन कम्प्लीशन। अभी ये फंक्शन कम्प्लीट होने के बाद आप देख सकते हो कि ये कहाँ पे जाएगा। जैसे कि आप मैंने यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था, जब आपका था ये रूट नोड जो था वो यहाँ पे था 50 से वो 30 को रिटर्न आ गया, वैसे ही अभी मैंने 60 पे हूँ, मेरा पूरा ये कंप्लीट हो गया है। कहाँ से ये ब्लॉक कॉल किया था, तो जहाँ तक कि इस ब्लॉक के कॉलिंग का सवाल है, जब रूट नोड 30 था वहाँ से कॉल किया था वो, तो ये फंक्शन फिर से रिटर्न उसी ब्लॉक को जाएगा पर उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट के। तो आप जस्ट ऑब्जर्व करो कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। यस, तो ये जो कंप्लीट हो गया है वहाँ से वो रिटर्न होगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जहाँ तक कि रूट नोड 30 था। तो ये हो गया और उसके बाद हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, फिर से आपको ध्यान देना है कि हमें ये 30 का ब्लॉक कहाँ से कॉल किया था। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हो कि जहाँ रूट नोड 20 था, आप देख सकते हो यहाँ पे रूट नोड 20 था, वहाँ से मैंने ये 30 को कॉल किया था। तो अभी ये पूरा हो गया है, हमारा ये एग्जीक्यूशन पूरा हो गया है। तो हमें यहाँ से रिटर्न कहाँ पे जाना है, तो हमें यहाँ से रिटर्न फिर से इस ब्लॉक पे जाना है जिसमें मेरा रूट नोड 20 था, क्योंकि यहाँ से मैंने उस फंक्शन को कॉल किया था। तो आप फिर से ऑब्जर्व करो कि हम यहाँ पे 30 से फिर से इस ब्लॉक में जा रहे हैं जिसका रूट नोड था 20। तो ये भी अभी कंप्लीट हो गया है। ये कंप्लीट होने के बाद अभी फिर से क्या होने वाला है, ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया है। तो ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से इसको कहाँ पे जाना होगा, इसको फिर से इस ब्लॉक में जाना होगा क्योंकि 10 से हमने 20 को कॉल किया था। तो आप फिर से यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से मैंने जो ये कंप्लीट हो गया है, यहाँ से मैंने फिर से इस ब्लॉक को कॉल किया, इस ब्लॉक रिटर्न किया मैंने, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे अभी जा रही हूँ। तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है प्रोसेसिंग ऑफ अ रूट नोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा रूट नोड प्रोसेस होगा, तो जो एक्टिव ब्लॉक है उसमें जो रूट नोड है वो प्रोसेस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे 10 को प्रोसेस कर लिया, डिस्प्ले कर लिया। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमें फिर से 10 के राइट चाइल्ड को कॉल करना है। अभी 10 का राइट चाइल्ड आप देख सकते हो यहाँ पे 40 है, तो फिर से यहाँ से हमें जंप करना है अगले वाले और नए ब्लॉक में जहाँ पे रूट नोड हमारा है 40। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फिर से फंक्शन को कॉल किया और रूट नोड हो गया हमारा 40। फिलहाल आप देख सकते हो ये फंक्शन एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हुआ है, ये फिर भी अभी भी इनकम्प्लीट है। अभी यहाँ से हमने इस फंक्शन को जंप कर लिया है, कर्सर हमने यहाँ से जहाँ रूट नोड 10 था वहाँ से रूट नोड 40 को जंप कर लिया है और कंडीशन चेक करनी है रूट नोड हमारा नल है या नहीं। तो रूट नोड हमारा नल अभी नहीं है। तो फर्स्ट वाला कंडीशन जो हमें रिकर्सिवली इन ऑर्डर को कॉल करना है वो है लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करना है। अभी 40 का लेफ्ट चाइल्ड आप यहाँ पे देख सकते हो वो नल है, तो अगर वो नल है तो वो नल पे जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे रिटर्न आ जाएगा। तो हमारा है अभी नेक्स्ट वाला कंडीशन और नेक्स्ट वाला स्टेप जो है प्रोसेसिंग ऑफ रूट नोड। तो कौन से रूट नोड को वो प्रोसेस करेगा, एक्टिव विंडो एक्टिव ब्लॉक का जो रूट नोड है उसको वो प्रोसेस करेगा। तो हमारा रूट नोड है 40। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगला वाला स्टेप जो है वो प्रोसेसिंग ऑफ रूट नोड है, तो यहाँ पे मैंने 40 प्रोसेस कर लिया। 40 को प्रोसेस करने के बाद वो स्टेप नंबर 3 पे जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये आ गया आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 को जाने के बाद ये जो है आपका
वो है आपका इन ऑर्डर, फिर से रिकर्सिवली कॉल करना है जहाँ पे हमें 40 का राइट चाइल्ड पास करना है। अभी 40 आप देख सकते हो, 40 का राइट चाइल्ड क्या है, 40 का राइट चाइल्ड जो है वो है नल। तो फिर से हमें यहाँ से नल को कॉल करना है और वो रिटर्न आ जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अभी यहाँ से उसे कहाँ पे जाना है, यस यू आर वेरी करेक्ट, तो यहाँ से हमें फिर से यहाँ इस ब्लॉक को जाना है जहाँ से हमने इस फंक्शन को कॉल किया था। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एनिमेशन के द्वारा आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये हो गया यहाँ पे रिटर्न, और ये पूरा एग्जीक्यूशन अभी ख़त्म हो गया है। और आप देख सकते हो कि ये फंक्शन भी पूरा अभी हमारा ख़त्म हो गया है, और इसका मतलब है कि हमने पूरा ट्री यहाँ पे इन ऑर्डर में ट्रैवर्स कर लिया है। तो यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आपका हो गया 20, उसके बाद क्या आता है 50, उसके बाद आता है 30, देन 60, उसके बाद आता है 10, और सबसे लास्ट में होता है आपका 40। तो इस तरह आप कौन सा भी ट्री अगर आपके पास हो तो वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल विथ रिकर्शन ऐसे आप कर सकते हो। नॉन रिकर्सिव इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का अल्गोरिदम कैसे वर्क होता है, तो यहाँ पे मैं आपको नॉन रिकर्सिव अल्गोरिदम एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिस पे मैंने यहाँ पे इन ऑर्डर फंक्शन को रूट पास कर लिया है। उसके बाद अगर ये हमारा नॉन रिकर्सिव अल्गोरिदम है तो ये हमें एक्सप्लिसिट डेटा स्ट्रक्चर यूज करना होगा स्टैक, जो हमें हेल्प करेगा चाइल्ड नोड से पेरेंट नोड को मूव होने के लिए, क्योंकि स्टैक का जो बिहेवियर होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, और यही बिहेवियर का हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो इसीलिए हमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है। अगर आपको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाके वो जानकारी मिल सकती है। आपके लिए फिर से मैं यहाँ पे रेफरेंस लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए और फिर ये वाला वीडियो आप रिज्यूम कर सकते हो। अभी मैं आप अज्यूम करती हूँ कि आपको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पता है। उसके बाद हम एक करंट नोड का वेरिएबल यूज करेंगे, जिसको सबसे पहले हमें रूट को इनिशियलाइज कर देना है। उसके बाद ये हमें कंटिन्यू करते रहना है, ये हमें करते रहना है वाइल टिल और करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल। हमारी करंट नोड की वैल्यू जब तक नल नहीं होती है तब तक हमें ये करते रहना है। जो कौन कौन से स्टेप्स है, तो सबसे पहले स्टेप से हमें पुश करना है करंट नोड ऑन द स्टैक, और उसके लेफ्ट को हमें मूव होना है। फिर से हमें करंट नोड लेफ्ट को मूव करने के बाद चेक करना है करंट नोड नल नहीं है, अगर नहीं है तो फिर से हमें वो पुश करना है और करंट नोड को फिर से उसके लेफ्ट के लिए मूव होना है। इसका मतलब है हमें ये वाइल लूप एग्जीक्यूट करना है, और उसके लिए हम ये लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड को मूव करने के लिए हमें ये वाइल लूप मदद करता है। अभी मान लो कि आप लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड पे आ गए हो और उसका लेफ्ट चाइल्ड नल है, तो ये व्हाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हमारा करंट नोड नल हो गया है। तो अभी हमें आगे जाना है, स्टेप नंबर 4 पे हमें क्या चेक करना है कि करंट नोड हमारा नल है या नहीं। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी मेरा लेफ्ट मोस्ट नोड पे अगर मैं हूँ तो उसका लेफ्ट चाइल्ड नल है, सो हमारा करंट नोड नल हो गया और करंटली स्टैक एम्प्टी नहीं है, जिसमें ऑलरेडी फ्यू ऑफ द नोड्स अवेलेबल है। तो अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमें क्या करना है, जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो हमें पॉप कर लेना है और उसको डिस्प्ले कर लेना है। और उसके बाद हमें अभी लेफ्ट हो गया, नोड प्रोसेस भी हो गया, अभी आपको क्या कहा जाना है, आपको राइट चाइल्ड को जाना है, इसलिए हमें करंट नोड जो है वो उसके राइट चाइल्ड को अपडेट कर देना है। उसके बाद ये आपको ये कंटिन्यू करते रहना है अगर आपका करंट नोड नल है और आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है। अभी मान लो एक कौन से भी कंडीशन के वजह से आपका ये लूप ब्रेक हो गया, तो आपको नेक्स्ट कंडीशन चेक करना है। अगर आपको करंट नोड नल नहीं है तो हमें स्टेप नंबर 3 को जाना है, अदरवाइज हमें स्टेप नंबर 6 को जाना है। 3 को जाके हमें क्या करना है, फिर से हमें उसके लेफ्ट मोस्ट नोड को फाइंड करके तब तक ये कंटिन्यू करते रहना है। लेफ्ट मोस्ट नोड अगर नल है अभी तो फिर से उसको पॉप करना है और डिस्प्ले कर देना है और उसके राइट चाइल्ड को मूव होना है। यही हमें रिपीटेडली करना है क्योंकि हमारा इन ऑर्डर रिवर्सल क्या बोलता है, सबसे पहले लेफ्ट को मूव करो, अगर उसका लेफ्ट नल है तो नोड को प्रोसेस कर लो, अभी उसके राइट को मूव करो, अभी उसको रूट नोड बना के फिर से हमें लेफ्ट रूट नोड एंड राइट ये सिक्वेंस हमें फॉलो करना है।
यही सारी चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये आपका एक एग्जाम्पल आपके सामने है, यही एग्जाम्पल को लेके मैं यहाँ पे ये वाला एल्गोरिथम ड्राई रन करके आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहला स्टेप हमें हमारा क्या है, तो हमें स्टैक क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने ये मेरा स्टैक क्रिएट कर लिया। करंट नोड जो वेरिएबल है वो हमें सबसे पहले रूट को इनिशियलाइज कर लिया है, तो मैंने ये वाला करंट नोड वेरिएबल रूट को इनिशियलाइज कर लिया। अभी करंट नोड जब तक नल नहीं है तब तक हमें ये दोनों स्टेप 3.1 3.2 एग्जीक्यूट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या है, करंट नोड स्टैक में पुश कर लेना है, क्योंकि हमारा करंट नोड अभी नल नहीं है जिसमें वैल्यू 10 अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने करंट नोड को स्टैक में पुश कर लिया। अभी उसके बाद हमें करंट नोड को अपडेट करना है किससे, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ करंट नोड। तो 10 का आप देख सकते हो लेफ्ट चाइल्ड क्या है 20। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका करंट नोड जो है वो हो गया 20, 10 का लेफ्ट चाइल्ड एज अ 20। अभी फिर से आपको वाइल कंडीशन चेक करना है, करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, यस कंडीशन इज ट्रू। तो हमें करंट नोड दैट इज 20 हमें स्टैक में पुश कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्टैक में 20 पुश कर लिया है। अभी फिर से हमें करंट नोड अपडेट करना है टू द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 20। अभी 20 का लेफ्ट चाइल्ड आप देख सकते हो यहाँ पे नल है। तो अगर ये नल है फिर से हमें वाइल कंडीशन चेक करना है, करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, तभी हमें ये परफॉर्म करना है। अभी आप देख सकते हो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, इसलिए हमें स्टेप नंबर 4 पे जाके चेक करना है कि हमारा करंट नोड नल है, उसके साथ साथ हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है। दोनों कंडीशन ट्रू हो गए, इसके लिए हमें टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो हमें पॉप कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टॉप ऑफ द स्टैक मेरा है 20, तो उसको मैंने पॉप कर लिया और उसको मैंने डिस्प्ले भी कर लिया। ये देखो मैंने पॉप किया और यहाँ पे मैंने उसको डिस्प्ले कर लिया। अभी उसके बाद हमें फिर से करंट नोड को अपडेट करना है, किससे अपडेट करना है, जो अभी मैंने पॉप किया था उसके राइट चाइल्ड को मुझे वो अपडेट कर लेना है। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैं करंट नोड अपडेट कर रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने करंट नोड को अपडेट कर लिया 20 के राइट चाइल्ड को, 20 का राइट चाइल्ड क्या है 30। अभी उसको अपडेट करने के बाद हमें स्टेप नंबर 5 उसके पहले हमें स्टेप नंबर 4 का वाइल लूप कंडीशन चेक करना है। करंट नोड नल नहीं है, उसके साथ साथ स्टैक एम्प्टी भी नहीं है, पर कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है करंट नोड अगर नल नहीं है तो हमें स्टेप नंबर 3 को जाना है। तो चलो हम स्टेप नंबर 3 को बैक जाते हैं और चेक करते हैं करंट नोड नल नहीं है। अगर मेरा करंट नोड नल नहीं है तो हमें उसको स्टैक में पुश करना है, तो हमें 30 को स्टैक में पुश कर लिया। उसके बाद 30 के लेफ्ट चाइल्ड को हमें करंट नोड बनाना है, तो ये मैंने 30 के लेफ्ट चाइल्ड को 50 को करंट नोड बना लिया। उसके बाद फिर से हमें चेक करना है करंट नोड नल नहीं है, कंडीशन जो है वो ट्रू हो गया, इसके लिए हमें 50 को स्टैक में पुश करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50 को मैंने स्टैक में पुश कर लिया। उसके बाद फिर से हमें करंट नोड अपडेट करना है 50 के लेफ्ट चाइल्ड को, तो अभी आप देख सकते हो 50 का लेफ्ट चाइल्ड नल है। अभी यहाँ पे ध्यान दो मेरा करंट नोड जो है वो बन गया नल, क्योंकि 50 का लेफ्ट चाइल्ड है नल। अभी स्टेप नंबर 3 का वाइल लूप तो फॉल्स हो गया क्योंकि हमारा करंट नोड अभी नल है, तो हम स्टेप नंबर 4 को जंप करेंगे। स्टेप नंबर 4 को जंप करने के बाद आपको दो कंडीशन चेक करनी है, करंट नोड नल होना चाहिए और स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गए, इसके लिए हमें यहाँ पे जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो पॉप करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 50 को मैंने पॉप कर लिया और उसको मैंने यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में डिस्प्ले कर लिया। तो ये हो गया मेरा स्टेप 4.1। उसके बाद आपको फिर से करंट नोड अपडेट करना है जो पॉप्ड आइटम है दैट इज 50 उसके राइट चाइल्ड को। अभी आप देख सकते हो 50 का राइट चाइल्ड जो है वो भी नल है, यहाँ पे आप देख सकते हो 50 का राइट चाइल्ड जो है नल। फिर से हम स्टेप नंबर 4 के वाइल लूप में जाएंगे, आप देख सकते हो आपके दोनों कंडीशन ट्रू है, दैट इज आपका करंट नोड भी नल है और स्टैक भी नॉट एम्प्टी है। तो हमें क्या करना है, टॉप ऑफ द स्टैक हमें पॉप करना है और उसको डिस्प्ले कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 30 को पॉप कर लिया और उसको यहाँ पे डिस्प्ले भी कर लिया। अभी फिर से आपको करंट नोड जो है उसको अपडेट करना है जो पॉप्ड आइटम है उसके राइट चाइल्ड से। तो अभी 30 का राइट चाइल्ड क्या है 60, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं करंट नोड यहाँ पे अपडेट कर रही हूँ, मैंने अपडेट कर लिया है 30 के राइट चाइल्ड को दैट इज 60 को। तो आपका करंट नोड हो गया 60। अभी ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई क्योंकि करंट नोड नल नहीं है।
हम स्टेप नंबर 5 पे जाएंगे, आपको यहाँ पे देखना है अगर करंट नोड आपका नल नहीं है तो आपको स्टेप नंबर 3 पे जाना है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 को जाने के बाद फिर से व्हाइल कंडीशन चेक करनी है, यस आपका करंट नोड नल नहीं है, इसके लिए आपको जो करंट नोड है उसको स्टैक में पुश कर लेना है। तो अभी स्टैक में क्या होल्ड करेगा आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टैक में मैंने 60 को पुश कर लिया जो कि मेरा करंट नोड है। अभी फिर से मुझे करंट नोड अपडेट करना है जो कि होगा 60 का लेफ्ट चाइल्ड। 60 का लेफ्ट चाइल्ड आप यहाँ पे देख सकते हो वो नल है, तो उसको मैंने अपडेट कर लिया, तो मेरा अभी करंट नोड हो गया नल। फिर से ये व्हाइल कंडीशन पे जाएगा और चेक करेगा करंट नोड आपका नल नहीं है, हाँ मेरा करंट नोड नल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो हम स्टेप नंबर 4 को डायरेक्टली जंप करेंगे। स्टेप नंबर 4 आपका दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू है कि करंट नोड भी नल है और स्टैक भी एम्प्टी नहीं है, तो जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो हमें पॉप कर लेना है और डिस्प्ले करना है। तो आपको क्या है टॉप ऑफ द स्टैक, वो हो गया 60, उसको हमने पॉप कर लिया और यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर रही हूँ। तो ये डिस्प्ले होने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से करंट नोड अपडेट करना है जो कि आपका पॉप्ड आइटम है उसके राइट चाइल्ड से। सो ये हो गया आपका 60 का राइट चाइल्ड, तो नल हो गया। तो आप यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिए कि जहाँ पे मैं करंट नोड अपडेट कर रही हूँ, तो यहाँ पे करंट नोड मैंने अपडेट कर लिया राइट चाइल्ड ऑफ 60, तो 60 का राइट चाइल्ड हो गया नल। फिर से हमें चेक करना है स्टेप नंबर 4 के व्हाइल लूप को, करंट नोड नल है, स्टैक भी एम्प्टी नहीं है, तो फिर से हमें टॉप ऑफ द स्टैक पॉप करना है। तो चलो हम सबसे पहले उसको पॉप कर लेते हैं। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ये पॉप कर लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर रही हूँ, ये मैंने उसको डिस्प्ले भी कर लिया है। अभी उसके बाद फिर से हमें करंट नोड अपडेट करना है जो हमारा पॉप्ड आइटम है, उसका मतलब है 10 उसके राइट चाइल्ड को अपडेट करना है। तो ये देखो मैंने करंट नोड को अपडेट कर लिया, करंट नोड जो है उसका उसको मैंने 10 के राइट चाइल्ड से अपडेट कर लिया, उसका मतलब है 10 का राइट चाइल्ड है 40, तो उसको 40 से मैंने अपडेट कर लिया। अभी फिर से हम व्हाइल लूप को जाएंगे फोर्थ स्टेप के, जो कि कंडीशन जो है वो हमारा फॉल्स है क्योंकि करंट नोड नल नहीं है। अभी स्टेप नंबर 5 फिर से हमें क्या करना है, करंट नोड नल नहीं है इसलिए स्टेप नंबर 3 के लिए हम मूव हो जाएंगे। स्टेप नंबर 3 हमें क्या बता रहा है, फिर से हमें कंडीशन चेक करनी है, व्हाइल नोड इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, तो हमें जो है वो 40 उसको हमें स्टैक पे पुश कर लेना है। तो ये मैंने करंट नोड स्टैक में पुश कर लिया। अभी फिर से हमें करंट नोड अपडेट करना है जो कि होगा 40 का लेफ्ट चाइल्ड, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 40 का लेफ्ट चाइल्ड मैंने नल जो है उसको करंट नोड से अपडेट कर लिया। अभी स्टेप नंबर 3 तो फॉल्स हो गया, स्टेप नंबर 4 ट्रू हो गया क्योंकि करंट नोड नल है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो मैंने पॉप कर लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं 40 पॉप कर रही हूँ, यहाँ पे 40 को पॉप कर लिया और उसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले भी कर लिया। अभी डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको करंट नोड फिर से अपडेट करना है जो कि होगा 40 का राइट चाइल्ड। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो करंट नोड है वो 40 का राइट चाइल्ड है, वो है नल। फिर से वो स्टेप नंबर 4 को जाएगा, चेक करेगा करंट नोड तो नल है पर हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया है, ये सेकेंड वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई है, इसके लिए वो 4.1 4.2 एग्जीक्यूट नहीं करेगा। स्टेप नंबर 5 को जाके फिर से वो चेक करेगा कि करंट नोड नल है या नहीं, ये नहीं है इसलिए वो एल्स को जाएगा और स्टेप नंबर 6 एग्जीक्यूट करेगा। स्टेप नंबर 6 में क्या है, करंट नोड भी नल है, स्टैक भी एम्प्टी है, इसका मतलब है हमने जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है वो पूरा ट्री इन ऑर्डर में ट्रैवर्स कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा, 20 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, हम 10 से स्टार्ट करेंगे, उसके लेफ्ट को मूव होंगे, 20 को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है इसलिए हम उसको रूट नोड करके प्रोसेस कर लेंगे, इसलिए मैंने 20 को यहाँ पे प्रोसेस कर लिया। उसके बाद उसके राइट चाइल्ड को मूव होके उसका लेफ्ट चाइल्ड चेक करेंगे, यस उसका लेफ्ट चाइल्ड है, सो इसलिए 50 को प्रोसेस कर लिया, 50 को लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है इसलिए हमने फिर से बैक जाके 30 को प्रोसेस कर लिया। उसके बाद उसके राइट चाइल्ड को मूव होके 60 को भी लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है, लेफ्ट नहीं है सबसे पहले इसलिए उसको प्रोसेस करके, राइट चाइल्ड भी नहीं है इसलिए हम बैक चले गए, तो वो हो गया हमारा 10।
60 के बाद अभी 10 का लेफ्ट सब ट्री पूरा ट्रैवर्स करके हो गया है, इसलिए 10 को भी प्रोसेस कर लिया और उसको राइट चाइल्ड अगर है तो उसको मूव होके उसको रूट नोड बना लिया। 40 को रूट नोड बनाने के बाद 40 के लेफ्ट चाइल्ड चेक किया, वो नहीं है, इसलिए 40 को प्रोसेस कर लिया। 40 को राइट चाइल्ड भी नहीं है, इसलिए आप देख सकते हो कि ये पूरा ट्री हमारा ट्रैवर्स हो गया है, जो है 20, 50, 30, 60, 10, 40। सो इस प्रकार, इस तरह हम जो भी दिया हुआ ट्री है वो इन ऑर्डर में ट्रैवर्स कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो, मैं आपके क्वेरी को आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक करना ना भूलिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए, अप्रोप्रिएट कमेंट देना ना भूलिए। अगर आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ मैं इस वीडियो सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, पूरा ट्री डेटा स्ट्रक्चर का भी प्लेलिस्ट मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ टेक टॉक्स। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग। थैंक यू।